आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज आपको दीपावली की कहानियां नहीं बताएंगे कि कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या क्या हिस्ट्री है। आज हम आपको लेके चलेंगे 90s की दौर में, क्योंकि हम सब अब इतने आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि अपनी जो चीज़ें हम पहले करते थे वो सभी चीज़ों को हम भूल चुके हैं। कहाँ गया वो घरौंदा, कहाँ गया वो चुक्का चुक्की, ये सब कुछ भूल चुके हैं। तो आज हम आपको लेके चलेंगे 90s में। आदेश जी, शुरुआत कीजिए आप। देखिए, 90s का मुझे तो याद है क्योंकि उस समय हम लोग को होश है पूरा अच्छे से, और दीपावली का मतलब उस समय त्योहार का मतलब गांव होता था। गांव, बिल्कुल। और दशहरा के बाद से ही लगभग छुट्टियां हो जाती थी स्कूलों में, जो कि छठ के बाद तक छुट्टी रहती थी। तो उस समय हम लोग गांव से जाते थे, और गांव उसमें जाने का रास्ता जीप या ट्रैक्टर हुआ करता था। सब लोग जाते थे वहाँ पे, और टमटम, हाँ टमटम भी, और जगह बहुत जगह जाने का टायर वैन से भी लोग जाते थे। और सबसे प्रमुख मैं बात बताऊं कि उस समय जो है गांव में दीपावली जो होता था, सबसे पहले आप देखते रहिए कि ये जो कुआं होता था, कुआं के पास घर के सारे सामान लाए जाते थे। उसमें सामान भी कम होते थे, आज की तरह टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो होता था, सबसे ज्यादा बर्तन होते थे, बर्तन और लकड़ी का सामान, बिल्कुल। तो आज की तरह हम उसको झाड़ते पोसते नहीं है, बल्कि उसको यह के कुआं के पास, हम छोट में बचपन देखते थे, गांव के लोग आते थे कुआं के पास आके उसको धोते थे और पूरा उसको सूखने के लिए रखते थे, फिर उसको घर पे ले जाते थे। उसके बाद है कि गांव में जो होता था गोबर से और पियरी मिट्टी से जो है वो घर को लीपा जाता था पूरा, क्योंकि उस समय पक्का का भी घर होता तो फर्श उसका मिट्टी का ही होता था जनरली। और दीपावली से शास्त्र दीपावली वाले कल जैसे छोटी दीपावली था, तो उस दिन कहा था, चूँकि लक्ष्मी जी का पूजा होता है तो गांव की लक्ष्मी होती थी, जैसे पशु तो है ही, गोबर और घर से निकला हुआ राख, तो गांव में बोला था एक शब्द यूज किया जाता है मान पे, मान, हाँ। मान पे जहाँ पर वो राख गोबर ये सब इकट्ठा किया जाता है, उसको छठ के बाद जो है उसको खेतों में डाला जाता है, वहाँ भी एक दिया रखा जाता था। और सबसे जो आकर्षण होता था गाँव में वो कुम्हार आते थे, माथा पर रख के उसमें हड़िया ये सब आता था, दिया दिया भी लोटिया जो होता था, जो कि लोटिया अब लोटे की तरह होता था, उसे मिट्टी से दब के, और हम लोग का काम घर में होता था कि वो बत्ती बनाना क्योंकि अब पूरा घर में लगने वाला है बहुत सारा ये, तो उसको हम लोग पैर पर रख के उसको ये करते थे, हाँ बत्ती बनाते थे, और उसकी सफाई होती थी, पानी में डाला जाता था, और सबसे मेन काम होता था बत्ती बनाने का उसमें मिट्टी तेल डालना, तो बच्चा लोग को मना किया जाता था कि कहीं कोटा में उसमें मिट्टी तेल मिलता था, इतना आसान नहीं था कि जाके आप मिट्टी तेल कहीं से खरीद। और सबसे आकर्षण का जो हम बच्चा था उसमें रहता था कि जो कुम्हार जो आते थे तो वो मिट्टी का बना हुआ घंटी देते थे, घंटी उसमें दो छेद रहता था जिसको, और एक मिट्टी का टुकड़ा जैसा उसको जो पक्का हुआ रहता था उसको लगा के हम लोग उसे दिन भर में बजाते थे, और साथ में और भी मिट्टी का बहुत सामान आता था, चुक्का वगैरह, जिसमें हम लोग मतलब बेसिकली मम्मी लोग, और सबसे बड़ा हम लोग कराता था उसमें क्या कि जब दीपावली खत्म होता था जो दिया बज जाता उसके चारों तरफ तराजू बनाते थे। एग्जैक्टली, बचपन में उसमें गांव में यही सब था एंटरटेनमेंट का साधन, आज की तरह नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक देखिए पहले जो त्योहार का मतलब गाँव ही हुआ करता था, क्योंकि गाँव से लोग जो है 90s में ही ज्यादा आकर शहरों में बसे, शहरीकरण उसी समय शुरुआत हुआ, उदारीकरण के समय में जब लिबरलाइजेशन लागू किया गया तो उसमें लोग कितना भी शहर में रहे लेकिन त्योहार का मतलब गांव होता था, लोग गांव की तरफ लौटते ही थे। याद है मुझको जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा लेके जाते थे गांव, और स्पेशल हम लोग बस रहता था, और दिवाली के टाइम तो स्पेशल बस चलता था, वही पुराना वाला बस, गए गांव में सब आ गए, अच्छा ये आई शहर से, क्या लेके आई है ये सब, लेकिन मेरे अंदर यही रहता था कि कब हम घरौंदा बनाएंगे, और घरौंदा बनाते थे मिट्टी का, उसके बाद उसको लेप देते थे और लिख देते थे, और उस समय तो चूना सही नहीं पाता था, सब कलर वगैरह कहाँ मिलता, सब लेप देते थे, उसके बाद उसमें
मतलब बहुत सुंदर से उसको ज्यादा कुछ नहीं तो दिया जलाकर उसके बाद उसमें मम्मी चुक्का खरीदती थी उसमें भूंजा डालकर उसको लगाते थे और जब दीपावली खत्म हुआ उसमें बम पड़ाका मार के हम लोग तो बम लगा के उसको तोड़ते थे। मैं ये वो भी मिट्टी का इतना मजबूत होता है दो तीन बम से नहीं टूटता था, अंत में धक्का देना ही पड़ता था। एग्जैक्टली। तो पहले का जो दीपावली है वो गांव से जुड़ा होगा, आजकल तो आर्टिफिशियल दीपावली हो गया है, हम लोग भी आज उतना समय नहीं है। आज लोग सिर्फ पॉल्यूशन की बात करते हैं, हम मानते हैं कि अभी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले का मजा ही कुछ और था। लोग अब ज्ञान देने लगते हैं कि पटाखा नहीं छोड़ो पॉल्यूशन फैलेगा, पहले ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि पहले माहौल भी उतना नहीं थे, उतनी गाड़ियां नहीं चलती थी, मतलब कुछ नहीं होता था, तो पहले तो बेफिक्र होके सब एक दिन पहले जाते थे भाई बहन सब लोग पटाखा खरीदने, हम छुरछुरी छोड़ेंगे क्योंकि भाई हमको डर लगता था, भैया लोग जो था वो बिड़िया पटाखा, अलग अलग नाम ही दिया गया है, नागिन चक्री रॉकेट उस पे कूदना, लावा रॉकेट में भी मतलब अब ढूंढना कि कहाँ मिलेगा बॉटल, तो पहले तो और मुझे तो असर हुआ जब मैं बच्चा में था तो उसमें नागिन जो आता था 3 रुपया में आता था एक पैकेट, अभी पिछले साल सुना कि 70 या 80 रुपए में देता, इसलिए लोग अब खरीदते भी नहीं है। हमें तो वही शौक होता है कि पुराना जो हम पहले छोड़ देते, अब आर्टिफिशियल छुरछुरी आता जिसमें लाइट रहता है जिससे आंख भी बहुत इफेक्ट होता है, पहला ये सब का कुछ टेंशन नहीं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक दीपावली हो गया है कि आप लत्ती लगा ली एक दिन एक स्विच दबाए हो गया, आलू बम याद है आपको, पटकने वाला आलू बम वो दीपावली के दिन ही छोड़ते थे, पहले ही 4 दिन पहले लेके उसको, और एक दिन में लक्ष्मण बूटी जो उसका आता था जो टैबलेट की तरह हाजमोला की तरह उसका आग लगाया जाता था और उसमें से वो निकलता था उसका झाग जैसा करके वो लगाता था उसे स्नैक बनने वाला, चुटपुटिया भी आता है, चुटपुटिया चुटपुटिया सब जगह अलग अलग नाम है पुटिया। हम लोग जब बचपन में थे तो उसमें सबसे अच्छा छठ के समय में एक ड्रेस खूब चलता था बच्चों में, पुलिस का वर्दी, पुलिस का वर्दी और उसमें पिस्टल के बदला में वही चुटपुटिया रहता था, चुटपुटिया और बच्चा दिन भर उसको टिप 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 लिंग बसता ही नहीं था वो ज्यादा, और हम लोग पटाखा बचा के रखते थे दीपावली में, अब छठ आएगा तो छठ में कोची छोड़ेंगे, तो छठ में फिर वही पटाखा बचा के फिर वही भैया लोग छोड़ता था, हम लोग तो डर ही लगता था, लेकिन वो अलग माहौल वो अलग दिन, मिठाई खाना अलग अलग तरह का, दीपावली है तो छोला नहीं बनाओगी ऐसे कैसे चलेगा, अब तो बाहर से लोग नूडल्स चाउमीन और ये हल्दीराम और साथ ये पैसा फूड पैक्ड आर्टिफिशियल दीपावली हो गया है, आप वो चाइनीज बत्ती लगाते हैं फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक दिया भी जला जाता है, कुछ लोग नाम मात्र का एक दिया जलता है, लेकिन पहले क्या था कि जो आप आपका आय का साधन होता था, हम लोग जो गाय बनता था जो कहता है कि जो जो भुसौली होता है गांव में बोला जाता है वहाँ भी दिया रखा जाता था, ट्रैक्टर था हम लोग को उस पर भी दिया हम लोग रखते थे उसका भी पूजा करते थे, और सिर्फ दीपावली के दिन उसके 4 दिन पहले से दिया लगना शुरू, उसके 4 दिन बाद तक दिया रखते थे, छठ तक खत्म हुआ तब तक, मतलब अंदर से वो ज्यादा ही था जो रौनकता है वो गांव में ही नजर आता है, बिल्कुल शहर में वो चीज नहीं, शहर में काफी पर्सनल है यहाँ पर कि आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, गांव में था कि मैंने बताया कि जब कुआं से पानी था तो 2-4 लड़के रहते थे जो कि औरतों को पानी निकाल निकाल के देते थे, थे हाँ। उनका काम ही यही था, अब लोग मोबाइल में रहते रहते हैं, घर साफ करना है तो एक दिन पहले साफ करेंगे और साफ करने से ज्यादा आधे घंटे फोन देख लिए उसके बाद आधा घंटा साफ करेंगे, ये हो गया है, और पहले की अगर बात करो शीरा घर होता है हमारे घरों में गाँव में, वहाँ का पूजा होता था अलग से, सुबह में दोपहर में पूजा हुआ फिर रात में फिर सब लोग दिवाली मनाए बढ़िया से एक जगह बैठ के छोला खाए पूरी खाए, क्योंकि हमारे यहाँ छोला पूरी रेडली नहीं बनता था, तो कभी किसी बहुत कुछ हुआ अच्छा तब बनेगा, तो दीपावली हो गया इस समय बनता था, पूरी हुआ खीर हुआ लड्डू फेमस हुआ, लड्डू ही मिठाई था उस समय दीपावली के 7 दिन पहले से ही, हम लोग तरफ बतासा चलता था, बतासा भी जो है वो चढ़ता था उस समय क्योंकि रीजनल गांव का चीज था तो गांव का ही सब चीज, पहले कलरफुल बतासा देख के एकदम लगता था कि मम्मी ये वाला घर देखे, देखो बर्फी आता था चीनी वाला और उसका अलग ही मजा था, अब तो कलरफुल में भी कलर मिला होता है, पहले कलरफुल में मतलब अलग तरीके से बनाया जाता था, क्वालिटी होती थी पहले चीजों में, तो मिठाई भी बहुत अलग तरह का, और हम लोग में भुंजा लावा जिसको कहते हैं वो सब चढ़ावा देते थे, अब तो लड्डू वड्डू भी चढ़ता, पहले लड्डू वड्डू नहीं चढ़ता था, पहले लड्डू ही चढ़ता, मेरे यहाँ तो मैंने लड्डू नहीं चढ़ा, लड्डू ये लड्डू नहीं होता था, बुनिया बुनिया वाला भी और चीनी वाला भी, तो बहुत चेंज हो गया है, और मैं आपको बताऊं कि 90s मैं तो 90s का ही जानता हूं, मैं भी 90s की और मैंने देखा है उस समय के और अभी में काफी चेंज हो गया, जमाना चेंज हो गया, त्योहार भी चेंज हो गया है, बिल्कुल, और अब जो त्योहार है त्योहार बस मनता है कि हाँ
छुट्टी का दिन है और आज दीपावली है, तो आज हमको फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है और शाम को फोटो खींचा लेना है, ये तो हम लोग करते हैं, और उसको शेयर कर देना है। लेकिन पहले जो था कि वो मनाया जाता था, पहले दशहरा खत्म होते दिवाली की सरगर्मी शुरू हो जाती थी अंदर से, हाँ, 20 दिन पहले से दीपावली आने वाला, दीपावली आने वाला, और दीपावली के बाद छठ का शुरू होता है। दीपावली खत्म होते ही हमको याद है कि गांव की जो महिलाएं थी वो पियरी मिट्टी निकालने के लिए जाती थी या मंगवाती थी, और उससे होता था कि वो चूल्ही बनाने के लिए अपने से सारा काम किसी दूसरे को नहीं करने देना है, तो पवित्रता ज्यादा थी, समर्पण ज्यादा था पहले, धीरे धीरे इसमें कमी आ रहा है। हालांकि हम लोग इसको अभी तक बना के रखे हैं, लेकिन वो जो विधि विधान होता था, जो एक समर्पण होता था उसके लिए, और जो खुशी होती थी, जो रौनक था, उसमें तो बहुत ज्यादा कमी आ गई है। जी बिल्कुल। और अब जैसे झालर वालर हो गया, वो लगा दिए, बस बन गया दिवाली, हो गया दिवाली, एक रंगोली, रंगोली की बात करें तो रंगोली पहले हम लोग बनाते थे चावल से, मतलब वो जो होली में से बचा के रखते थे कि दिवाली आएगा तो होली में चावल को रंगेंगे उससे, अबीर से, रंग से, और उसके बाद उसी से बनाएंगे, तो अब तो भाई आर्टिफिशियल चिपका देता है सब। हाँ, वो तो आर्टिफिशियल अब आ गया, अब तो उसके लिए आता भी है डस्ट, ये सब जो लोग करके बनाया और पूरा गली में लिख देते थे शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, जहाँ भी किया खाली। हाँ, दीवार पे पहले लिखा जाता था शुभ दीपावली, उसमें तो चूना लाल रंग से, रंगा से बोला था, रंगा से रंगा जाता था, स्वास्तिक भी बनाया जाता था, स्वास्तिक भी बनाया जाता था, और लक्ष्मी जी के पैर सबसे महत्वपूर्ण, उसको चावल का आटा से धो के उसके बाद उससे लक्ष्मी जी का पैर बनाया जाता था। अब तो स्टैंप लगा दिया जाता है, जो आर्टिफिशियल स्टैंप आता है वो। सबसे बड़ी बात है पहले सामुदायिकता मीन्स का मतलब सारे लोग मिलजुल के मनाते थे, अब है कि बस जो एक कहें तो रिहायशी इलाका है, अपार्टमेंट क्षेत्र है, वहीं पर जो है लोग मिलके मनाते हैं, बाकी ये शहरों में एक तरह से कहें तो फॉर्मेलिटी रह गई है दीपावली, और इसका जो मूल है वो भारत के गांव में ही है, जब जहां पर लोग सारे लोग मिलजुल के मनाते थे, और ओरिजिनल जो त्योहार का जो रंग है उसकी खूबसूरती है। देखिए ना, कितने रेस्ट्रिक्शंस हो गए, आप कितने रेस्ट्रिक्शंस हो गए, पटाखे नहीं छोड़ सकते फिर, नहीं तो पटाखे नहीं, सब पहले होता था कि लोग लिमिटेशन में पटाखे छोड़ते थे। हाँ। जैसे कि अब एक आदमी है तो जैसे उसके घर में एक ही डब्बा है हर एक, और उसके पास नहीं हुआ तो भैया दो, हाँ। दोस्त लोग के पास चल गए जिसके हाँ। पास नहीं हुआ, एक भाई एक पीढ़िया छोड़ने दो, एक वो बुलेट छोड़ने दो, बस इतना ही मैं खुश। हाँ, लेकिन अब जो है थोड़ा ज्यादा हो गया, हर चीज ज्यादा हो गया, एक आदमी 20,000 का पटाखा ये छोड़ेगा तो, और ऐसा ज्यादातर लोग शहर में लोग ज्यादा करते हैं, इसको स्टेटस मानते हैं, बिल्कुल ज्यादा पटाखा छोड़ना इसको स्टेटस माना जाता है, तो वो जबकि ज्यादा दिए जलने चाहिए, पूरा घर में रौनक लगा दीजिए। जबकि मैं आपको सबसे बड़ा बात बता दूं, देश का लगभग अभी 70% जनसंख्या गांव में रहता है, लेकिन गांव में कभी भी प्रदूषण का अभी तक नहीं आता है दीपावली जो का, शहर से बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ है, पौधा है, शहर गांव के लोग इस सब चीजों में कम लिमिटेड खर्चा करते हैं, लेकिन शहर वाले क्या है कि उनको लगता है कि यही मेरा स्टेटस है, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना, प्राण गंवाना, वही चीजें करते हैं, तो यही कारण है कि इसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। तो दिवाली है और 90s की दिवाली, और मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ उससे पहले की दीपावली और ज्यादा रौनक वाली होती होगी। मैंने तो अभी अंतिम उसका ये देखा है, 90s के बाद तो पूरा दुनिया ही चेंज कर गया। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो उस उम्र के हैं, उनसे मैं चाहूंगी कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो अभी के बच्चे हैं वो किस तरीके से दिवाली मनाना चाहते हैं आप भी कमेंट कीजिए, सभी लोगों को मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें, हम जरूर पढ़ेंगे और आपकी बातों को भी रखेंगे। हालांकि मैं चाहूंगी कि इस बार आप लोग दिया जलाइए, खूब दिया जलाइए, और प्रधानमंत्री का एक अपील कि वोकल फॉर लोकल, हाँ। दिए ही जलाएं और वो मिट्टी के ही सारे चीज का उपयोग करें, और जो तेल है वो तेल सरसों का हो या किरासन का भी तेल, लेकिन उसको कम प्रयोग करें, और ऐसा कोशिश करें जो हमारा मूल रूप से जो दीपावली है वही मने चाइनीज दीपावली नहीं, जी चाइनीज दीपावली नहीं, इस तरीके से बॉयकॉट चाइनीज वाली चीजें हुई थी, हम चाहेंगे बॉयकॉट करें। और एक और बात मैं लास्ट में जोड़ना चाहूंगी कि जो घरौंदा होता है, मैं लड़कियों से दरख्वास्त करूंगी, और लड़कियां क्यों, मेरे भाई ने तो मेरे साथ मिलकर बनाया था, तो आप लोग भी घरौंदा बनाइए और मिट्टी की बनाने की कोशिश कीजिए, उसको पोतिए ना, क्या जरूरत है बहुत सारे कलर्स मिलाने की, उसको सिंपली आप चूना से पोतिए और एक बेहतरीन दीपावली अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, मजा आएगा बनाने, बड़ा मजा आएगा। तो आप अभी इस वीडियो में हमारा इतना ही था, हम आपको 90s में लेके गए, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी दीपावली बहुत बहुत धूमधाम से मनाइए दीपावली, बहुत बहुत धन्यवाद।